बुजुर्गों की यह बेमिसाल बातें कभी मत भूलना। बुजुर्ग कहते हैं, एक, भाइयों के बीच झगड़े की मुख्य वजह संपत्ति और माता-पिता का बच्चों के प्रति भेदभाव होता है। अगर माता-पिता चाहे तो बच्चों के बीच 80% झगड़े को कम कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दो, बेटी का विवाह 21 से 25 की उम्र तक और बेटे का विवाह 25 से 29 की उम्र तक हर हाल में होना चाहिए। परंतु एक सच यह भी है कि आज की परिस्थिति में यह हर पिता के लिए संभव नहीं है। तीन, आर्थिक रूप से या किसी अन्य क्षेत्र में कमजोर बेटा माँ बाप का प्रिय होता है। चार, अगर आप चाहते हैं वृद्धावस्था में आपका पुत्र आपकी सेवा करे तो उसकी परवरिश सीमित साधनों में करें। बुजुर्ग कहते हैं, बेटे को अत्यधिक सुविधा देना आपकी वृद्धावस्था को खराब कर सकता है। पांच, नाउम्मीदी एक बहुत बुरी बीमारी है जो नाउम्मीद लोगों के साथ बैठने से होती है। जैसी संगत वैसी रंगत, इसीलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। छ, ससुराल में दामाद को इज्जत चाहिए तो ससुर के घर पर कभी 2 दिन से अधिक ना रुके। कहते हैं, मेहमान और मछली में 3 दिन में बदबू आने लगती है। सात, लंबी जुबान वाली बहू हर फर्ज निभाने के बाद भी वह ससुराल में सम्मान नहीं पाती और कम बोलने वाली कुछ ना करके भी सबके मन चढ़ जाती है। आठ, हर छोटी बात पे ससुराल से रूठकर मायके आ जाने वाली बेटियां ध्यान रखें। मायके की रोटी से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी होती है। नौ, बेटी को खुश देखना चाहते हो तो 3 जगह बेटी की शादी कभी ना करें। एक, अत्यधिक नजदीक। दो, अधिक अमीर घराने में। तीन, अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ। दोस्तों, विचार पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।